Welcome to the students of accountancy of class 11th. Good morning to all of you. Here Abdul Quyyum Qureshi, lecturer of commerce, government boys high secondary school Batpora Magam Handwara, district Kopwara. Today we are going to discuss the topic vouchers. अपने स्टूडेंट्स के लिए आज हम इस पर बात करेंगे. इससे पहले भी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट पर बात की है. ये वाउचर्स क्या हैं? लेट्स नो. हमारे पास एक डेफिनेशन है इसकी. द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज वाउचर्स. डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्ड जो हम ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है. वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट की शेप में है जिसका मकसद है, ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है जिसका मकसद है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. इन माय प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड इट. और दूसरी डेफिनेशन है, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ ट्रांजैक्शन. ये दोनों एक ही माने रखती हैं. तो आगे हम देखेंगे इसके लिए फॉर्मेट्स हैं, वो भी हम आपको दूसरे लेक्चर में समझाएंगे. आज हम देखेंगे ये वाउचर्स जो है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है जो हम प्रिपेयर करते हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, इसकी दो टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर्स. नंबर वन कैश वाउचर्स, नंबर टू नॉन कैश वाउचर्स. ये नॉन कैश वाउचर्स जो है इसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं. ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, फिलहाल हम डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा. ये कैश वाउचर जो है इसके दो किस्में है, दो टू टाइप्स है इसके. नंबर वन है क्रेडिट वाउचर, नंबर टू डेबिट वाउचर. डेबिट वाउचर, पहले हम इसी साइड को लेते हैं, कैश वाउचर की साइड को. और ये क्रेडिट वाउचर्स जो हैं, इसकी मैं एग्जांपल्स दूंगा कुछ. ये क्रेडिट वाउचर्स क्या हैं? ये एग्जांपल्स से हम समझ सकते हैं. सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट. और ये डेबिट वाउचर जो है इसके लिए एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस, परचेजेस ड्राइंग्स, पेमेंट्स टू द क्रेडिटर एटसेट्रा. और ये जो नॉन कैश वाउचर्स हैं इसके लिए एग्जांपल्स हैं हमारे पास, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, बिल्स एक्स्ट्रा. अब हम इन सभी चीजों को इन डिटेल समझेंगे. पहले हम कैश वाउचर पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, और उसके बाद ये इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो हमारे पास टू टाइप्स हैं वाउचर के, नंबर वन है कैश वाउचर, दूसरा है नॉन कैश वाउचर. कैश वाउचर को हम ए लिखेंगे, कैश वाउचर. कैश वाउचर्स आर वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश. एट द टाइम ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, यहां ये वाउचर जो इस शक्ल का होता है, पर्टिकुलर दिए होते हैं या कुछ, ये बाद में डिस्कस करेंगे. हम ये बिल लेते हैं, वाउचर लेते हैं या देते हैं तब जब हम पे करते हैं तो हम वाउचर रिसीव करते हैं उसके बदले में, और देते हैं तब जब हम रिसीव करते हैं. जब हम पेमेंट करते हैं तो हम वाउचर रिसीव करते हैं, जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो
उस वक्त हम यहाँ से देते हैं, यानी सेल के टाइम पर हम वोचर देते हैं और परचेज के टाइम पर हम वोचर रिसीव करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारा है कि कैश इन्वॉल्व है यहाँ पर, कैश वाउचर्स, यानी हम पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं, यहाँ से पैसे देते हैं, वहां से रिसिप्ट लेते हैं, वाउचर लेते हैं, और अगर वाउचर हम यहाँ से देते हैं तो पैसा रिसीव करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिसिप्ट ऑफ और पेमेंट थ्रू चेक, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट थ्रू चेक और पेमेंट थ्रू चेक। कभी हम रिसीव करते हैं चेक, वो भी कैश ही हुआ, बिकॉज ए चेक कैन बी इजिली कन्वर्टेड इंटू कैश, तो चेक हमने रिसीव की, दैट मीन्स कैश इज इन्वॉल्व्ड हियर। तो ये है कॉल्ड कैश वाउचर्स। इस कैश वाउचर के दो किस्म है, नंबर वन टू टाइप्स जो अभी मैंने डायग्राम में बताया, क्रेडिट वाउचर, क्या है क्रेडिट वाउचर्स। ये क्रेडिट वाउचर्स क्या है, लेट्स नो। क्रेडिट वाउचर्स आर द वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ये उस वक्त प्रिपेयर होते हैं जब कैश रिसीव करते हैं। हमने जब कैश रिसीव किया तो हमें यहां से क्या देना है, यहां से हमें वाउचर देना है उनको, तो इसको कहते हैं ये क्रेडिट वाउचर्स। दोज वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सिखाया, ये बताया था कि सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, जब सेल होती है गुड्स की तो पैसा हम रिसीव करते हैं, तो यहां से क्या देते हैं, यहां से देते हैं हम वाउचर। तो सेल ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की सेल होती है उस वक्त भी ऐसा होता है, या इन्वेस्टमेंट्स, जब हम अपनी किसी कंपनी में एक एंटरप्रेन्योर पैसा डालता है एज ए कैपिटल, तो वो इन्वेस्ट करता है पैसा, और जो उसके बदले उसको वाउचर मिलता है वो इन्वेस्टमेंट का वो वाउचर होता है। उन सभी चीजों को, सेल ऑफ गुड्स हो, सेल ऑफ एसेट्स हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, उनके जो वाउचर्स हैं उनको क्रेडिट वाउचर्स कहते हैं। और दूसरा है कैश वाउचर्स का दूसरा टाइप, उसको कहते हैं डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट और डेबिट, डेबिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स आर द वाउचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। यहां तो हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, कैश रिसीव कर रहे थे, लेकिन यहां पर पे किया जा रहा है, पेमेंट इज मेड, तो उनको कहते हैं डेबिट वाउचर्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेंसेस, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी, एक्सपेंसेस परचेजेस पर हम पेमेंट देते हैं, जब हम परचेज करते हैं कुछ तो खर्च करना पड़ता है, पैसा निकालना देना पड़ता है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी बिजनेस चल रही है और कैपिटल में से वो पैसा उठाता है और यूज करता है फॉर पर्सनल यूज, जो फॉर पर्सनल यूज, से फॉर एग्जाम्पल एक एंटरप्रेन्योर अपनी कार के लिए पेट्रोल लाता है और एंजॉय करता है, अपनी फैमिली के साथ घूमता है अपनी कार में, लेकिन वो पैसा बिजनेस में खर्च नहीं होता है, वो अपने आप पर खर्च होता है, इसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये जो ये ड्राइंग्स पर पैसा खर्च होता है उसके लिए जो वाउचर बनता है, पेट्रोल पंप से जो बिल आता है वो डेबिट डेबिट वाउचर में आता है। और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने, ये क्रेडिटर को जो पेमेंट करते हैं हम, तो पेमेंट टू द क्रेडिटर वो भी इसके लिए एक एग्जांपल है। उसके बाद जो बी, जो वाउचर का दूसरा किस्म है, कैश तो हमने किया, अब नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स को हम ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स, वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, that do not involve, that transaction which do not does not involve inflow or outflow of cash, of cash। ये मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा, हाँ एक बार फिर पढ़ूंगा, vouchers prepared for the transaction
that do not involve inflow or outflow of cash is called this non-cash vouchers. इसमें कुछ examples मैं दूंगा, ये debit note है, credit note है, bills है, इसमें bills आते हैं, debit note है, credit note है, तो और भी कुछ है, ये bills transfer through apps, जो modern trend है आज की, आज हम पैसा ये नॉन कैश मीन जो कैशलेस हो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर वोचर्स भी इनको कहते हैं। सपोज हम कहीं पर किसी मॉल में या मार्ट में जाते हैं, वहां से बढ़िया शॉपिंग करते हैं 2,000-3,000 रुपए की, और वहां हम स्वाइप मशीन में एटीएम अपना डालते हैं और उनको अपना पिन नंबर देते हैं, तो पैसे निकालते हैं वहां से, हमें स्लिप देते हैं, जो वोचर वहां से मिलता है, यहां से हम कुछ नहीं देते, लेकिन हमारे एटीएम कार्ड से जो पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है और हमारी अकाउंट से डेबिट होता है, उसको नॉन कैश वाउचर कहते हैं। या हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहां उनको हम अपना एटीएम कार्ड देते हैं, वो स्वाइप होता है और वहां वो भी नॉन कैश वाउचर है या ट्रांसफर है। या इसी तरह से हम अपने अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं थ्रू एम पे, तो फ्रॉम मोबाइल टू मोबाइल, फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, वो ट्रांसफर जो है उसको नॉन कैश, वहां कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैशलेस ट्रांजेक्शन है वो, तो उसको नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। तो जो हमने हमें अब पढ़ने हैं वो वाउचर्स के फॉर्मेट्स वगैरह, तो इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।